ये आईआरबी इंफ्रा शेयर। आइए बढ़ते आगे, और एक स्टॉक है सुर्खियों में, वो है आईआरबी इंफ्रा। आज स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है, और एक्शन की वजह है कोटक सिक्योरिटीज की वो रिपोर्ट जो बड़ी तेजी की बात करी। बड़ा ब्रेकआउट सुबह ही आ गया था इस पर, और थ्रू द डे इसने अपनी गेन्स होल्ड भी कही है आईआरबी इंफ्रा। जैन साहब, आई थिंक आपने भी, आपके भी रेडार पर रहा, आपने शायद रेकमेंड भी किया है पहले, आईआरबी इंफ्रा बड़ी तेजी में आ रहा है सर। बिल्कुल, आईआरबी इंफ्रा और इंफ्रा का जो इनविट है आईआरबी इनविट, इसको हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को बहुत रेकमेंड किया है। और अब हम अगर आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो रोड सेक्टर के ऊपर आई एम वेरी वेरी बुलिश। और इनफैक्ट आईआरबी इंफ्रा, मुझे याद है एक टाइम पे मैंने इसके ऊपर सेल कॉल दिया हुआ प्री कोरोना पीरियड, तो वहां से बहुत टूटा भी, बट नाउ थिंग्स हैव रियली चेंज्ड एंड सारी कंपनियों के पास इतने ऑर्डर्स आज। इनफैक्ट मैं रामदेव जी अग्रवाल जी का भी इंटरव्यू सुन रहा था, और बहुत ही बेहतरीन था अनिल जी ने जो 11 बजे लिया था। रोड्स के ऊपर भी वो बात कर रहे थे, इंफ्रा के ऊपर बात कर रहे थे। सो आई थिंक दिस इज वन सेक्टर जो इंडिया में मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। तो रोड्स वाली कंपनियां इनफैक्ट वन ऑफ माय टॉप फेवरेट। अगर कोई मुझसे पूछता है कि कोई सा भी सेक्टर आप बताओ टॉप में, तो मुझे लगता है कि रोड्स कैन बी द टॉप सेक्टर समाओ। ईवी से ज्यादा मुझे ये बढ़िया लगता है, और भी कई दूसरों से, तो ऑटो और रोड्स ये हमेशा मेरे टॉप पिक्स में रहते हैं और टॉप सेक्टोरल पिक्स में। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। और ऐसे ही जो दूसरे स्टॉक्स है, अशोका बिल्डकॉन है, आईटीडी सीमेंटेशन है, ये सारी कंपनियां अच्छा करेगी। केएनआर कंस्ट्रक्शन है, तो आई फील कि, और एलएनटी तो है ही है, अगर किसी को प्योरली लार्ज कैप में जाना और इंफ्रा के ऊपर बेट करना है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे करना है, कैपेक्स के ऊपर करना है, तो आई फील दीज आर द स्टोरीज टू लुक एट। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं और स्पेशली ब्रॉडर मार्केट नेम्स हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। इंफ्रा थीम पर एक बड़ा प्ले है, और आज तो खैर बड़ा ब्रेकआउट भी इस काउंटर पर आपको आते दिखा है। यही नहीं, और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बड़े ब्रेकआउट आज आते दिखे हैं।